नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम कासनी के फायदे के बारे में बात करेंगे। कासनी का पौधा 1 से 3 फीट तक ऊंचा होता है और ये 12 मासी पौधा है। इस पौधे की शाखाएं कठोर होती है और बहुत फैली हुई होती है। इसके पत्ते हल्के गहरे रंग के होते हैं। इसके पत्र बालाकार होते हैं और किनारे पर मुड़े हुए होते हैं। इसे कई पंखड़ियों वाला एक पुष्प लगता है जिसका आकार गोल होता है। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है, एक ग्राम्य कासनी और दूसरी वनों में उत्पन्न होने वाली वन्य कासनी। इसे ज्यादातर भाषाओं में कासनी कहा जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम चिकोरियम इंटाइबस है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो कासनी थोड़ी कड़वी, गर्म और कफ पित्त शामक होती है। ये पेशाब खुलकर लाता है और मूत्र संबंधी कई बीमारियों को नष्ट करता है। इसके अलावा यह हृदय रोग में बहुत ही लाभकारी होती है। कासनी के बीज सांस संबंधी समस्याओं में लाभकारी माना जाता है। यह कमर दर्द, सिर दर्द, पीलिया और प्लिया रोग को नष्ट करता है तथा आँखों के लिए भी लाभकारी होता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कासनी हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है और इसका उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। कासनी के बीजों का गुणधर्म शीतल है। इसके पत्तों का रस माथे पर लगाने से या इसके पत्तों के रस के साथ चंदन मिलाकर पीसकर माथे पर लगाने से सिर का दर्द कम होता है। इसके अलावा इसके बीज 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से भी सिर का दर्द मिटता है। दोस्तों ये पौधा बहुत ही चमत्कारिक है। 2 ग्राम कासनी के पत्तों को पीसकर ठंडे पानी के साथ सेवन कराने से खून की उल्टी बंद हो जाती है। इसके बीजों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इसका गरारा करने से मसूड़ों का दर्द कम होता है और मुखपाक मिटता है। किसी भी कारण अगर उल्टी होने लगती है और ये बंद नहीं होती तो ऐसे में कासनी का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। 10 से 20 मिलीग्राम कासनी के बीजों का काढ़ा बनाकर सेवन करने से पित्त के कारण होने वाली उल्टी तुरंत बंद होती है। यह पीलिया में भी बहुत लाभकारी है। पीलिया की समस्या होने पर इसके पत्तों का काढ़ा 15 से 20 मिली की मात्रा में रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करने से पीलिया रोग में बहुत लाभ मिलता है। लीवर की समस्या में भी कासनी बहुत ही लाभकारी है। इसके सुंदर फूलों को इकट्ठा करके इसका शरबत बनाकर पीने से लीवर संबंधी रोगों में बहुत फायदा होता है। इसके बीजों को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोजाना पानी के साथ सेवन करने से या इसका काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की जलन मिटती है तथा मूत्र कुछ का नाश होता है। यह पौधा महिलाओं के लिए भी काफी लाभकारी है। इसका 20 मिली की मात्रा में काढ़ा बनाए और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीने से मासिक धर्म संबंधी समस्या मिट जाती है। अगर इसके बीज न मिले तो इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से भी यही लाभ मिलता है। दोस्तों यह पौधा अर्थराइटिस में भी बहुत लाभकारी है। इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से संधि शूल में फायदा होता है और संधि की सोत भी उतर जाती है। इसके कोमल कोमल पत्तों को पीसकर जौ के आटे के साथ मिलाकर लेप बनाकर हृदय स्थान पर लगाने से हृदय संबंधी बीमारियों में बहुत फायदा होता है और उन्मान तथा पागलपन मिटता है। दोस्तों यह पौधा त्वचा के विकारों को भी नष्ट करता है। दोस्तों यह त्वचा विकारों में भी बहुत लाभकारी है। अगर शीत पित्त की समस्या हो जाती है तो ऐसे में कासनी के पत्तों को लाल चंदन और गुलाब के अर्क के साथ तथा सिरके में पीसकर शीत पित्त पर लगाने से बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।